हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम बात किए थे इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस स्कैनर को कैसे इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में और एक फाइल को कैसे स्कैन करें और बहुत कुछ। आप सभी ने अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके उसको पहले देखिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। आज हम रेस्ट पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस स्कैनर ऐप के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइट बोर्ड, बिजनेस कार्ड, एक स्कैन कॉपी को कैसे एमएस वर्ड फाइल में इंपोर्ट करें ताकि हमको उस फाइल और दोबारा टाइप करना ना पड़े, एक अकाउंटिंग टेबल फाइल को स्कैन करके कैसे डायरेक्ट एमएस एक्सेल शीट में इंपोर्ट करें और भी बहुत कुछ। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहे। आई कौशिक सर वेलकम यू टू योर फेवरेट चैनल कंप्यूटर गुरु। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड देखिए, व्हाइट बोर्ड जो भी व्हाइट बोर्ड है आप उसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बुक का पेज को स्कैन करता हूँ, फिर आपको और एक नया चीज दिखाता हूँ। सोचिए मेरे को ये वाला पेज स्कैन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करके इसको स्कैन कर दिया, हो गया। फिर यहाँ पे कन्फर्म में क्लिक कीजिए तो ये स्कैन हो गया होगा। फिर उसको डन कीजिए। डन करने के बाद यहाँ पे वर्ड फाइल में उसको सेव कीजिए। जब आप वर्ड फाइल में उसको सेव करेंगे तो क्या होगा ना, वो जो फाइल वर्ड में ओपन हो जाएगा, हमारे जो एमएस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उस फाइल में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें अच्छा मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूं, हो गया। तो ये फाइल वर्ड में सेव हो गया। तो आप इस फाइल को सेव करके डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। मतलब आपका अगर 10-12 पेज का है कुछ फाइल, उसको टाइप करना है कंप्यूटर में, तो विदाउट टाइपिंग भी आप यहाँ पे क्या ना इस फाइल को सेव करके ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिस लेंस में सेव हुआ है। ठीक है, फिर वर्ड करके मैं सेंड करता हूं व्हाट्सएप में। ठीक है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे जो फाइल में स्कैन किया, ठीक है, वो वर्ड फाइल कंप्लीटली एक वर्ड फाइल हो गया। मतलब हमको और दोबारा टाइप करना नहीं पड़ेगा। हम इसी तरह मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस से स्कैन करके वो डायरेक्ट वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जो फाइल आप मतलब जिस फाइल को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो एक बुक होना चाहिए या टाइप वाला पेज होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो जो ऑफिस लेंस स्कैनर है वो अल्फाबेट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक वर्ड का। और एक दूसरा मैं आपको दिखाता हूं जो है बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड से क्या होगा ना, हम इससे अगर स्कैन करते हैं, सोचिए मैं ये वाला बिजनेस कार्ड को स्कैन करूंगा। ठीक है, तो ये अगर मैं बिजनेस कार्ड को एक स्कैन करता हूं तो वो क्या करेगा ना, हमारा जो एड्रेस है, फोन नंबर है, वो दूसरे जगह में सेव करेगा। कैसे ना, अगर हम यहाँ पे वन नोट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वन नोट में दिखा रहा है कॉन्टैक्ट एंड इमेज, वो अलग अलग सिलेक्ट मतलब सेव होगा। और ये जो हमारा बिजनेस कार्ड है वो कार्ड भी एक ही इमेज के हिसाब से गैलरी में सेव हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसी तरह हम बिजनेस कार्ड को भी सेव कर सकते हैं।
हो गया, ए यहां पे सेव हो गया एज ए इमेज, और हमारा जो वन नोट में ये ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अच्छा मेरा मोबाइल में वन नोट इंस्टॉल नहीं है, नहीं तो ये दिखाता, मतलब हमारा जो फोन नंबर है वो जाके अलग जगह पे, एड्रेस अलग जगह पे स्टोर हो जाएगा। तो ये भी फैसिलिटी हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद और एक चीज आपको मैं दिखाता हूं, जैसे कि सोचिए ये वाला पेज को और एक बार हम स्कैन कर रहे हैं, वो कैसे अपने आप रीड करता है। ठीक है, स्कैन कर लिए, फिर यहां पे डॉन में क्लिक कर दिए, यहां पे जो इमर्सिव रीडर, ठीक है यहां पे जो इमर्सिव रीडर बोल के एक ऑप्शन है, अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो मोबाइल अपने आप रीड करेगा जो भी टेक्स्ट होगा हमारे फाइल में, मतलब जो भी स्कैन किए। ठीक है, तो सोचिए मैं यहां पे रीड में क्लिक कर दिया, तो जब आप रीड में क्लिक करेंगे और टोटल जितना भी अल्फाबेट होगा उसको और डिटेक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद, ठीक है एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपको जो यहाँ पे प्ले ऑप्शन दिख रहा है, आप प्ले ऑप्शन में क्लिक करें। फोकस ऑफ द जनरल नॉलेज रिफ्रेशर सीरीज फॉर द टीचर फैसिलिटेटर, व्हाट इज द नीड टू टीच जनरल नॉलेज फ्रॉम दिस बुक और फॉर दैट मैटर एनी बुक एंड हैव इट एज अ क्लास सब्जेक्ट, हियर इज द आंसर। ठीक है, तो इसी तरह आप उसको रीड भी करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं, तो वॉइस का अगर स्पीड आप बढ़ाना चाहेंगे 1.5 1.25, ठीक है, फिर यहाँ पे वॉइस सिलेक्शन फीमेल दिया हुआ है, अगर हम मेल सिलेक्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है। इंटरनेट वॉचिंग डिस्कवरी चैनल ऑन टेलीविजन आप इमर्सिव रीडर को भी यूज कर सकते हैं इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस में। और एक बेहतरीन फीचर्स अवेलेबल है जो कि है, सोचिए आप पहले से कोई इमेज या फोटो क्लिक करके रखे हैं, ठीक है उस फोटो को आप रिसाइज करके पीडीएफ बनाना चाहते हैं, ठीक है तो उसको भी आप इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस के थ्रू से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, आप यहां पे गैलरी में क्लिक कीजिए, फिर यहां पे देखिए जैसे कि कुछ फाइल पहले से, ये सभी फाइल मैं मोबाइल में फोटो क्लिक किया हूं, ठीक है तो इस सभी फाइल को आप कैसे, मतलब हमारा ऑफिस स्कैनर है उससे कैसे हम रीअरेंज या क्रॉप कर सकते हैं और उससे पीडीएफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए ये ऑटो सिलेक्ट कर दिया, मतलब ये वाला जैसे कि इसमें कुछ अलाइनमेंट दिख रहे हैं और क्रॉप ठीक से नहीं हो पाया, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, क्रॉप में क्लिक करें फिर आप ठीक से उसको क्रॉप कीजिए, ठीक है फिर यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए, देख पा रहे हैं फिर उसी तरह सभी जो ऑटो क्रॉप हो गया जो नहीं हुआ, जैसे कि देखिए ये फोटो इस तरह का है, ये एक्चुअली ओरिजिनल जो मैं फोटो लिया था वो इस तरह का है, ठीक है अगर उसको आप इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस में इंपोर्ट कर देते हैं तो वो ऑटो क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, मतलब रीअरेंज कर सकते हैं। उसके बाद डॉन में क्लिक कीजिए, फिर आप सेव करना चाहें या पीडीएफ क्रिएट करना चाहें या आप ऑन ड्राइव, मतलब हमारा क्लाउड में उसको स्टोर करना चाहें, आप जो भी करना चाहेंगे सब कुछ कर पाएंगे।
ठीक है, ये भी एक बेहतरीन फीचर से है जो कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस स्कैनर में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है लास्ट और सबसे यूजफुल ऑप्शन, मतलब जिसमें हम एक स्कैन, मतलब एक टेबल को स्कैन करके डायरेक्ट वो एक्सेल में कन्वर्ट करवा सकते हैं, एक्सेल फाइल में डायरेक्ट कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो चलिए जैसे होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे कि अच्छा एक चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, अगर आप कोई भी एक्सेल फाइल को, मतलब पेपर को, जो भी टेबल बना हुआ है उस पेपर को अगर स्कैन करना चाहते हैं, तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप है वो आपके मोबाइल में होना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें आप उस ऐप को ओपन कीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो एक्सेल है ये मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। तो मैं इससे स्कैन करता हूँ, कैसे ना आप उसको ओपन कीजिएगा, फिर यहाँ पे प्लस में क्लिक करेंगे और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये जो टॉप लेफ्ट बटन में एक दिख रहा है, मतलब हमारा मॉनिटर की तरह का एक आइकन, आप उसमें क्लिक करें। आप उसमें क्लिक करने के बाद, ठीक है, ये जो एक ऑप्शन दिख रहा है एक्सेल शीट का, आप यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस कैमरा ऑप्शन में क्लिक करें, ठीक है। फिर जो भी परमिशन मांगेगा उसको अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं इस फाइल को स्कैन कर लेता हूँ, हो गया। फिर उसको कॉन्फर्म कर दीजिए, आप देख पा रहे होंगे वो जो फाइल था वो एक्सेल में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह आप एक टेबुलेशन फाइल को डायरेक्ट एक्सेल से, मतलब हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस है उसके हेल्प से एक्सेल में डायरेक्ट स्कैन करके एक्सेल फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस में ही हो सकता है, ठीक है। तो इतना ही था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। अगर आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करते हैं तो मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके साथ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी कंप्यूटर यूज कर रहा है मोबाइल से स्कैन करना चाहता है, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस में हम कितना सारा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे।